हेलो बाय, हम फिर से आ गए नई वीडियो के साथ। बाय, आप सब कैसे हो? वैसे आप तो अच्छे होंगे। क्या मौसम आया है, आया है। बहुत अच्छा मौसम हो गया फ्रेंड्स। बारिश देखो हमारे यहाँ, आहा हवा, बादल गरज रहे। वाओ वाओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल वेदर। इतना अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बारिश में नहाना, मस्ती करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बारिश को देखना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश आ गई, बारिश होती है तो बस। हाँ, ये देखो इसकी मस्ती, उसको ठंडा ठंडा लग रहा है, उसको ठंडा ठंडा लग रहा है और वापस आ जा रहा है। और मेरे साथ ना हमेशा इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब मैं पहाड़ी दाल, जिसको हम घरिया दाल बोलते हैं, वो बनाने का सोचती हूँ, आज मैंने वो भिगा रखी है, उस दिन पक्का बारिश आती है। क्योंकि मुझे याद है मैंने पिछली बार फाणू बनाया था, तो उस वाले ब्लॉग में भी देखना आप, बारिश आई थी आज भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भगवान भी, अभी देखती बेटा, भगवान भी बोलता है कोई नहीं, तू आज पहाड़ी दाल बना रही है, तो उत्तराखंड जैसा वेदर तो नहीं हो सकता है, बट ये है कि तेरे को थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा फील कराता हूँ। बाय नाना, मैं बारिश में डाल रहा हूँ। इसको देखो, जैसी क्लास ओवर हुई मेरे कपड़े खींचो। हाँ क्लास ओवर होते ही उसको रहा नहीं गया। अगेन एंजॉय किया? ऊपर 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 वाली बाथरूम भी चेंज करो, नीचे तक तो ये पूरा गीला कर ली थी। बच्चों को बारिश में बहुत अच्छा लगता है नहाना, बच्चों को क्या बड़ों को भी अच्छा लगता है। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, शिखर देख रहा है टीवी, और मैं जा रही हूँ किचन में। मेरी बजरी किचन में सीटी कुकर रख दिया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी दाल। तो मैं जो पहाड़ी दाल बना रही हूँ वो उत्तराखंड की मिक्स दाल है। और जैसे मेरा पहले वाला ब्लॉग में था कि पहाड़ों में छुपा है प्रोटीन का खजाना, तो सेम अभी भी जो मैं दाल बना रही हूँ उसमें भी प्रोटीन का ही खजाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ दाल मैंने पहले ही भिगाने के भिगा कर सीटी लगवा रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या इस दाल में डाला है। ये काले भट हैं, राजमा है जो आप ये देख रहे रेड, सोयाबीन है वाइट वाली सोयाबीन, तोर दाल है, ये देखिए तोर दाल है, ठीक है, काली मसूर है इसमें, और रैयां से जिसको नौरंगी भी बोलते हैं, ठीक है, और साबुत उड़द है। तो मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो दाल है मेरी बॉयल हो चुकी है, और मैं छन्नी रखी है मैंने, छन्नी, तो बॉयल दाल ये रही, और ये उसका जो बॉयल वाला पानी था, पर ये फैटना नहीं है, इसमें बहुत प्रोटीन है, इसका मैं यूज करूंगी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी, मिट्टी के बर्तन में बनाने का स्वाद अलग होता है। तो मैंने पहले बर्तन रखा, अभी बर्तन गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही मैं ज्यादातर बनाती हूँ, तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। और तब तक मैं जो मैंने लहसुन और अदरक छीला था इसको कूट दूं। मैंने प्याज चॉप करके रखे हुए हैं, और लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ बना दिया। टमाटर मिक्सी में ग्राइंड कर दिए, टमाटर जीरा, और पहले मैं इसमें डालूंगी उत्तराखंड जीरा जख्या,
ये तो मस्त है। तो मैंने जख्या का तड़का लगाया और अब मैं प्याज थोड़ा तब तक भूनूंगी जब तक एक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और मिट्टी के बर्तन में क्या होता है उसका स्वाद और अच्छा आ जाता है। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा अदरक लहसुन वाला पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी थोड़ा अच्छे से पकाऊंगी नहीं तो लहसुन और अदरक की स्मेल आएगी। मैं नॉर्मल मसाले इसमें डालूंगी, ये मेरी कश्मीरी मिर्च है। तो नमक मैंने बॉईल करते हुए पहले ही डाल दिया था इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला है और हरा धनिया पाउडर और मसाले सिंपल मसाले, कुछ ज़्यादा मसाले गरम मसाला कुछ नहीं डालते क्योंकि हमारे उत्तराखंड उसमें सिंपल मसाले होते हैं कि जो हमारी दाल है उसका स्वाद उसकी खुशबू उभर कर आए। तो अगर मैं मसाले डाल दूंगी तो वो खुशबू और वो सब मसाले की ज़्यादा आएगी और वो खुशबू कहीं ना कहीं दब जाएगी, इसलिए हम लोगों का सिंपल होता है खाना सिंपल मसाले और स्वाद जो हम सारे मसाले डाले वो फेल है, सिंपल मसालों में ही बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। अब मैं तब तक थोड़ी देर पकाऊंगी ग्रेवी को। पेस्ट बन गया है अच्छा सा और अब मैं क्या करूंगी, जो बॉइल दाल है वो इसमें डालकर अच्छे से इसको चलाऊंगी मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स बस थोड़ी देर इसको मैं ऐसे ही रखूंगी और साथ में मैंने चावल रख दिए कि जब तक मेरी दाल रेडी होती है और साथ में चावल भी रेडी हो जाए। तो ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, थोड़ा सा मसाले को इसके साथ पकने दिया जो मैंने शुरू में पानी रखा था बॉईल करके, तो वो इसीलिए मैंने इसको फेंका नहीं क्योंकि बॉईल करते हैं ना तो इसी में हमारा सारा न्यूट्रिशन भी आ जाता है। और ये पानी मैं अब इसमें डालूंगी। फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया। बस इसको मैं 5-10 मिनट पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा और साथ में हमारे राइस रेडी हो रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे बना है। तो आप देखिए दाल रेडी हो गई है और देखने में तो इतनी टेस्टी लग रही है, मतलब देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि मुंह से अपने आप ही टेस्टी निकल जा रहा है। वाह ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उत्तराखंडी मिक्स दाल रेडी हो चुकी है जैसे मैंने आपको दिखाया और जितनी अच्छी वो देखने में लग रही है ना वैसी खाने में मज़ेदार लाजवाब। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करते हैं लंच एंजॉय और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय। चटोरन को देखो।